हेलो स्टूडेंट स्वागत आप सभी का सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डीसीएम सीरीज का नीट का हम ट्वेंटी नंबर पेपर का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आउट ऑफ फोर्टी एट में से ट्वेंटी नंबर पेपर का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पेपर के जो टॉपिक हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिगार्डिंग है टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एंड कंटेनिंग कंपाउंड सोल्यूशन करवाऊं उससे पहले दो तीन चीजें बता देता हूं कंप्लीटली पेपर एनसीआर को फॉलो करता हुआ एक single out of नहीं है ठीक है पेपर का लेवल जो है वो पूरा का पूरा नीट लेवल का है और ये टॉपिक जो है कार्बोनिक कंपाउंड बड़े टॉपिक हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो होपफुली आप पेपर को एंजॉय करोगे और जो आपका कंसेप्ट जो

तो एसिटेल यू नो एसिटेल ये वाला है सी एच थ्री सी ओ एच दिस इज एसिटेल सभी जानते हैं एसिटेल डेड ये एच के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो वीक बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है H प्लस बाहर होता है यहां से सी एन माइनस इसमें क्या करता है अटैक करता है ये रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिंस रिएक्शन किस कार्बन पे हो रही है sp2 कार्बन पे हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है यहां पे फिर ये H सप्लाई हो जाता है तो बन जाता है आपके पास सी थ्री सी और ये एच और ये सी इसके बाद आपको बोला है अब आप यहां एक चीज को देखें कि पहले जो ये कार्बन था वो sp2 था अब ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया है sp3 में हो गया है क्या कायरल सेंटर जनरेट हो गया क्या और इसको हम बोलेंगे प्रो कायरल सेंटर क्या बोलेंगे प्रो कायरल सेंटर बोलेंगे वर्ड द मीनिंग ऑफ प्रो कायरल सेंटर प्रो वर्ड आया है प्रोडक्ट से प्रो का मतलब है प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में कायरल सेंटर आया रिएक्टेंट में कायरल सेंटर नहीं था तो इसके दो फॉर्म बनेंगे एक इसका आर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा दूसरा इसका मिरर इमेज क्या बनेगा

क्या स्यो करेगा तो ये कंपाउंड क्या शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है इसकी मिरर इमेज भी बन रही है सिंपल सा रिएक्शन है साइनोहाइड्रीन बनाया है पहले के साथ वीक बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है साइनाइड आयन यहां न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है एसपी कन्वर्ट हुआ है एसपी में काइरल सेंटर जनरेट हुआ है उस काइरल सेंटर को बोलते हैं प्रोकाररल सेंटर साइनाइड आयन का हाइड्रोलाइसिस करवाया है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और जो कंपाउंड बना वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट क्लियर? नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन इसमें क्या बोला है देखो एल्काइन का ये क्या करवाता है यह रिएजेंट क्या करता है हाइड्रेशन हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ़ एच टू तो इस रिएक्शन को ध्यान रखें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का एक सिंपल सा नाम भी है कुचेरो रिएक्शन साइड की चीजों को भी ध्यान रखें इस रिएक्शन का एक नाम भी है जिसको मैंने बोला है रिएक्शन इसका नाम है ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड पे पे आप ध्यान रखें ट्रिपल पे यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है सिंपल सी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो ओ एच माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो पहले बनेगा इनोल और इनोल टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज़ में कन्वर्ट हो जाएगा किस में कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसी वैसे मैं इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूं तो यहां तो सिमेट्रिकल एल्काइन है किसी भी साइड ओएच OH का टेक करवा दो दूसरी टाइप क्या करवाना है हाइड्रेशन एडिशन ऑफ एच एच2ओ मतलब ओएच OH माइनस और एच प्लस का आपको क्या करवाना है एडिशन करवाना है तो पहले क्या बन जाएगा CH2 एक तरफ एच जोड़ दिया डबल बॉन्ड CH और एक तरफ ओएच OH जोड़ दिया इनोल बन गया इनोल से ये कीटो में जाएगा ये यहां से यहां और क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ बन जाएगा इसकी रिएक्शन करवाई है ग्रिगनार रिएजेंट से और उसके बाद ऑक्सीडेशन तो ये अंडरस्टूड है कि ग्रिगनार रिएजेंट देके आगे ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो ग्रिगनार रिएजेंट देके मुझे हाइड्रोलाइसिस करवाना है ये सेल्फ अंडरस्टूड बात है यहां हाइड्रोलाइसिस लिखना जरूरी नहीं है आप इस बीच जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑक्सीडेशन तभी करवा पाओगे जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहां पे ये सी एच थ्री है ठीक है इस पर नेगेटिव चार्ज है ये यह यहां से हाँ और ये यह यहां से हाँ ये भी कौन सी रिएक्शन हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या बन जाएगा सी एच थ्री और ये सी अब इसका करवा दो आप

कंपाउंड का नाम क्या है प्रोपेनोन ऐसा ऑप्शन ढूंढने जाओगे या फिर इसका दूसरा नाम है एसीटोन तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर ऑल क्लियर नेक्स्ट चलते हैं एसिडोफिनोन इज प्रिपेयर भाई एसिटोफिनोन किससे प्रिपेयर होता है तो देखो रोजन मुंड रिडक्शन क्या है एसिटिल क्लोराइड या एसिड हेलाइड की रिएक्शन पी डी से करवाता हूं तो एलडीहाइड का फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तो इससे नहीं बनाया जा सकता गलत बात सेंडमाइर रिएक्शन क्या है सेंडमाइर रिएक्शन है डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन एन टू प्लस सी एल माइनस सी यू टू सी एल टू और एच सी एल से करवाऊं तो सी एल चला जाएगा इस रिएक्शन का नाम है सेंड रिएक्शन यह भी नहीं होगा इसमें भी एसिटोन अच्छा एसिटोन होता क्या है सी एच थ्री ओ और ये रिंग दिस इज एसिटोफिनोन नाम तो पता होना चाहिए ना अब देखो रिएक्शन आती है बट नाम नहीं आता तो अटक जाएगा ना क्वेश्चन रिएक्शन एल्किलाइड एने ड्राई ईथर हायर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है तो ना तो इससे हो रहा ना इससे हो रहा क्या इससे हो जाएगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट दो टाइप की फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड क्राफ्ट एसाइलेशन अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन सी एच थ्री सीओ सी एल और ए एल सी एल थ्री से कराऊं एल सी एल थ्री कैसा लेना है ध्यान रखना कैसा कैसा एन ये ले, ले लेगा यहां से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा और ये एसिटोफिनोन बन जाएगा इस रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट फ्रेडलेशन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोक्ट्रोफिलिकब्सिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है इसके अलावा आप ये रिएजेंट भी यूज में ले सकते हो बट ये भी कौन सी है और ये अटैक कर जाएगा ये भी कौन सी है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन ही है क्लियर तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है एक कंपाउंड दिया है आपको और ये कंपाउंड क्या है ये एल्फा बीटा और ये बीटा कीटो एस्टर है बीटा कीटो एस्टर है एनओएच एच टू के साथ रिएक्शन करवानी है उसके बाद हीट करना है प्रोडक्ट बनेगा ए जो भी है आपसे ये पूछा प्रोडक्ट विच आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा इधर भी ये बोला है उत्पाद जो अभिक्रिया के दौरान नहीं बनता है ठीक है तो यहां देखो सी एच थ्री सी ओ ये सी एच टू और ये सी ओ सी टू एच फाइव यहां पे होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम में एस्टर का क्या होगा हाइड्रोलाइसिस होगा ठीक है और इसका दूसरा नाम भी बोल देता हूं सपोनिफिकेशन रिएक्शन यू नो, ये भी ध्यान रखिए इस रिएक्शन का नाम क्या है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम नॉन एज सोपोनिफिकेशन रिएक्शन एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में कराओगे रिएक्शन का नाम होगा सोपोनिफिकेशन रिएक्शन क्योंकि इस रिएक्शन में सोप का फॉर्मेशन होता है सॉल्ट बनता है चलो ठीक है हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो पता होगा कि कहां से टूटता है यहां से बॉन्ड टूटता है इधर OH और इधर H तो क्या बना एक तरफ तो बना C2H5OH और दूसरी तरफ बना सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी ओ एच ये एल्फा और ये बीटा दिस इज नोन एज बीटा कीटो एसिड इसका नाम क्या है इसको क्या बोलेंगे बीटा कीटो एसिड बोलेंगे और पता है ना बीटा कीटो एसिड को हीट करता हूं तो क्या बाहर होती है CO2 टू बाहर होती है और यहां से CO2 टू बाहर हो जाएगी और क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ एस थ्री बीटा कीटो एसिड हाईली रिएक्टिव टूआर्स डी कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हाईली रिएक्टिव है तो क्या यह प्रोडक्ट बना है जी हां बना है क्या सी टू एच फाइव सीओ एच बना है यह वाला नहीं बना क्या सी एच थ्री सीओ सी थ्री बना है इसके आप यह लिख सकते हो हां यहां पे ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बना है जी हाँ सी एस थ्री सीओ सी एस टू सी टू एच फाइव बना है क्या सी एस थ्री थ्री बनाया बट यह फोर्थ वाला ऑप्शन अपने पास कहीं नहीं आया नहीं नहीं बना आपसे पूछा है कौन सा नहीं बनेगा तो फोर्थ नहीं बनेगा ऑल सेट है क्लियर हाइड्रोलाइसिस ऑफेस्टर किस मीडियम में बेसिक मीडियम में नेम ऑफ रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन और क्या सीखा बीटा कीटो एसिड हाईली रिएक्टिव टू टूआर्स डीकार्बोक्सिलेशन CO2 सीओ टू जल्दी से बाहर कर देगा कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये सेम अभी ये ये सीक्वेंस अभी बताई थी आपको ये वाली क्या बनेगा सी एच थ्री एच ठीक है इसकी रिएक्शन किससे करवाई है एनओ से तो हाइड्रोजन प्रेजेंट बेसिक मीडियम कौन सी कौन सी एलडोल कंडेंसेशन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी तो देखो सिंपल सा सी एच थ्री ओ और ये एच दूसरा सी एच एच और ये ओ एच इसका, इसका मैंने बनाया इलेक्ट्रोफाइल इसका मैंने बनाया न्यूक्लियोफाइल ये एच यहां लगा दो और ये यहां लगा दो क्या बना सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी ओ एच एल्फा बीटा बीटा पे क्या परजेंट नजर आ रहा है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है एल्डोल का अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल तो दिमाग की घंटी तुरंत बजनी चाहिए बी क्या बनेगा बी हमारे पास आएगा ये वाला फोर्थ तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन द रोजन रिडक्शन बी एसओपो टेकन विद एज चलो ठीक है रोजनमुंड चेर में बी फोर जो पीडी उत्तर के साथ लेते हैं जो निम्न कार्य करता है क्या क्यों लेते हैं बी एस ओ फोर इस चीज को समझना देखो एक चीज समझना मेरी बात दो चीज बताऊंगा मैं आपको आर सी ओ सी एल पी डी बी एस ओ फोर क्या बनाओगे आर सी ओ एच एल डी हाइड ठीक है एसिड एल डी हाइड रिड्यूस इन एल डी हाइड किस में रिड्यूस हो गया एल डी हाइड में रिड्यूस हो गया यहां बी फोर क्या करता है बी एसओ फोर स्टोप फर्दर रिडक्शन ओप हाइड इन एलकोल ये एल डी हाइड का एल्कोहल में फर्दर रिडक्शन रोकता है मतलब पॉइजनस कैटलिस्ट का काम करता है किसका काम कर रहा है पॉइजनस कैटलिस्ट का काम कर रहा है पॉइजनस उत्प्रेरक विष या कैटेलाइटिक पॉइजन एक दूसरी रिएक्शन ये भी देख लें सी एच थ्री सी एच थ्री और यहां लिया पी डी बी फोर एच टू ठीक है इसको यहां पे हम क्या बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट रिडक्शन होगा सी एच डबल बोन्ड सी एच सी एच ध्यान देना यहां भी बी एसओ फोर पॉइजनस कैटलिस्ट का काम ही कर रहा है एल्किन को एल्केन में रिड्यूस होने से रोक रहा है क्या समझ में आया एल्किन को आगे एल्केन में रिड्यूस होने से रोक रहा है तो इसमें तो एल्किन को एल्केन में रिड्यूस होने से रोक रहा है इसमें एलडीआईड को एल्कोहल में रिड्यूस होने से रोक रहा है तो कैटेलाइटिक पॉइजन नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ वन ब्यूटीन ये सी एच टू डबल बोर्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री यह वन ब्यूटीन है इसका ओजोन शरीर कराऊंगा तो क्या बनेगा ओजोनाइड फिर इसका क्या करवाऊंगा हाइड्रोलाइसिस क्या बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। तो डायरेक्ट ही करवा दो डायरेक्ट ही करवा दो ओजोनाइड बनेगा पहले तो ओजोनाइड क्या बनेगा सी एच टू सी एच ओ ये ओ ये ओजोनाइड बनेगा सी एच टू सी एच थ्री ये टूटेगा ऐसे। या फिर आप यहां से तोड़ दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओजोन जिंक टू जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमेशा करवाना होता है जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमेशा करवाना होता है. ऑप्शन तो you know, you know, कहां पे है थर्ड पे दिया हुआ है थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्लियर

वो एक बार होता है ऑक्सीडाइज और सी ओ एच सोल्ट बनाता है और एक बार होता है रिड्यूस रेडॉक्स रिएक्शन होती है और कन्वर्ट होता है सी एच टू ओ एच में तो यहां एक बार इसका सोल्ट बन जाएगा क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिड नहीं रहेगा सी ओ ओ माइनस सी एल प्लस यहां पर बन जाएगा सी एच टू ओ एच और ये सी एल आंसर चेक करे भैया ऐसा आंसर कहां है थर्ड इज करेक्ट आंसर कैन इज आरोक्शन नेक्स्ट फोर सी सिक्स एच फाइव सीओ एच विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट वेरी गुड क्वेश्चन गुड सी सिक्स एच फाइव सीओ एच ये वाला ऑन रिडक्शन यील्ड इसका रिडक्शन कराऊंगा मान लो एल आई एल एच फोर से करवा दिया या फिर मान लो बी टू एच सिक्स से करवा दिया तो ये किस में जाएगा सी एच टू ओ एच में तो बेंजाइल बेन्जाइलोल हो गया ये तो सही है इट इज यूज इन परफ्यूमरी परफ्यूम में काम में आता है कि जी हाँ एनसीआर में जाओ बेंजोइक एसिड के, के यूज फो एरोमेटिक एसिड के वहां पे आपको नजर आ जाएगा कि एरोमेटिक एसिड परफ्यूमरी यूज में आता है परफ्यूम बनाने में काम में आता है तो ये भी सही है इट इज एन एरोमेटिक एरोमेटिक एसिड एसिड डेफिनेटली है क्या क्या ये रिडक्शन पे फिनोल बनाएगा हाउ कैसे मतलब ही नहीं है या तो हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होगा या एल्कोल में रिड्यूस होगा फिनोल कैसे बनाएगा भैया तो फिनोल नहीं बनेगा आंसर क्या आएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है तो फोर्थ इनकरेक्ट है नेक्स्ट विच औ फॉलोइ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप विल गिव कलाइड क्रिस्टलाइन कंपाउंड देखो ये है ये क्या है टू फोर डी एन पी अब ध्यान देना इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव टू फोर डीएनपी डेरीवेटिव अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फोर डेरिवेटिव देता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फोर डेरिवेटिव देता है टू फोर डेरिवेटिव दैट मींस कंपाउंड हैव कार्बोनिल ग्रुप एज ए एल्डिहाइड और कीटोन टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप का अगर कोई भी कंपाउंड 24 डीएनपी डेरिवेटिव बना रहा है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एज एल्डिहाइड या कीटोन तो ये 24 डीएनपी डेरिवेटिव ये है 24 डीएनपी 24 डायनाइट्रो 24 डाइनाइट्रो ठीक है उसके जैसा ही है ये और यहां से H2 जाएगा टू फोर डाइन ये वाला ठीक है तो यहां कौन देगा कीटोन सेकंड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्जिबिट पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट मैथेनेल एच सी ओ एच एज वेल एज आइडोफोम टेस्ट दो टेस्ट देने चाहिए तो देखो सी एच थ्री एंड स्केलेटन हैविंग कंपाउंड गिव आइडोफोम टेस्ट मैथिल कीटोन बोलते हैं इसको मिथाइल कीटोन इसका नाम है ये ग्रुप है ये दोनों स्केलेटन जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है वो आइडोफोम टेस्ट देगा और मैथिन फेलिंग टेस्ट कौन देता है टेस्ट ऑफ एलडीआईडी ग्रुप टेस्ट ओप एल्डिहाइडिक ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप का क्या है ये टेस्ट है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का क्या है टेस्ट है यहां रखना एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड नेगेटिव फॉर फेलिंग टेस्ट एफएस फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता फेलिंग टेस्ट नहीं देता है अब आप यहां देखें ये फेलिंग टेस्ट दे देगा दे बट आइडोफोम नहीं देगा एथेनॉल C2H5OH मतलब क्या हो गया CH3COOH ये स्केलेटन हो गया यहां H आ जाएगा ये आइडोफोम दे देगा दे दे बट फेलिंग टेस्ट नहीं देगा प्रोपेनोन फेलिंग नहीं दे देगा दे आयोडोफॉर्म देगा एथेनेल जो है सी एच थ्री सीओ एच ये आइडोफोम भी देगा एल डी ग्रुप है तो फेलिंग टेस्ट भी देगा और यहां से आइडोफोम तो आंसर जो आएगा वो फोर्थ आएगा सारी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट विथ क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसिड टोन क्रोमिक एसिड से आपको ऑक्सीडेशन करवाना है और कौन सी रिएक्शन आप करवा सकते हो निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण निव टू टेन डिग्री सेल्सियस पे क्रोमिक अमल से जलीय एसिड में संपन्न कराई जा सकती है भैया कौन सी संपन्न कराई जा सकती है तो देखो इधर यहां इसको मैंने कीटोन में ऑक्सीडाइज किया वन डिग्री एल्कोल को मैंने एलडीआईड में ऑक्सीडाइज किया इसको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया यहां वन डिग्री एल्कोल को इसमें ऑक्सीडाइज किया तो देखो यहां ये जो रिएक्शन होती है ना वो किस में होती है KMnO4 KOH में होती है ये वाली रिएक्शन तो नहीं होगी ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है ऐसा नहीं है बट ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर सकता है क्रोमिक एसिड क्या बोला बट मल्टीपल बॉन्ड का चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है क्रोमिक एसिड तो इसलिए ये वाले प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम हो गई ये भी नहीं आएगा इसमें भी यहां होगा तो डबल बोन का भी हो सकता है ये भी नहीं आएगा इसमें देखो सिंगल बोन थे सब और यहां पे एल में ले आया तो आंसर केवल क्या जाएगा फोर्थ जाएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट द एल्कलाइन सीएसओ कंटेनिंग सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट दिस इज कोल्ड दिस इज कोल्ड दिस इज कोल्ड फेलिंग सोल्यूशन इसको क्या बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन बोलते हैं दिस इज कोल्ड फेलिंग सोल्यूशन इसका नाम केवल क्या है फेलिंग सोल्यूशन नाम है और फेलिंग सोल्यूशन किसका करेगा डज नोट रिएक्ट विथ तो देखो इधर एरोमेटिक एल्डिहाइड अभी मैंने क्या बोला था एरोमेटिक एल्डिहाइड नेगेटिव फोर फेलिंग टेस्ट फेलिंग टेस्ट के लिए एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है नेगेटिव होता है तो फोर्थ आ जाएगा दिस इज नॉट एरोमेटिक एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ बीच में सीएस टू एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो फोर्थ नेक्स्ट अच्छा यहां पे देखो सी एच डबल बोन सी एच और इससे आपको बनाना है ये वाला Using is oxidized, के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है यहां मुझे केवल किसको ऑक्सीडाइज करना है एल्डीहाइड को ऑक्सीडाइज करना है किस में कार्बोक्सलिक एसिड में डबल बोन्ड अनड होना चाहिए डबल बोंड पे रिएक्शन नहीं होनी चाहिए अब देखो एल्कलाइन केमोनोफोल लूंगा तो डबल बोन्ड ऑक्सीडाइज होगा तो डबल बोन्ड ऑक्सीडाइज होगा डबल बोड ऑक्सीडाइज सेलेनियम डाइऑक्साइड एलाइलिक पोजिशन ऑक्सीडाइज एलाइलिक पोजिशन क्या हो जाएगी ऑक्सीडाइज हो जाएगी यहां पे ओवच लग सकता है अमोनिकल AgNO3 एनओ थ्री मतलब क्या है टोलेन रिएजेंट। क्या मतलब है इसका टोलेंस रिएजेंट टोलेंस रिएजेंट क्या है ये एल ग्रुप है इसकी रिएक्शन कराऊंगा ए जी एनओ थ्री प्लस एन एच फोर ओ एच या लिख सकता है ए जी एन एच थ्री का twice, और ये प्लस दिस टोलेंस रिएजेंट यहां ए जी है प्लस वन में ये ऑक्सीडाइज होता है किसमें सी ओ एच में और ए जी रिड्यूस हो जाता है और क्या बन जाता है सिल्वर मिरर मतलब सिल्वर मिरर क्यों बोलते हैं दिमाग में आता होगा ना कि मिरर क्या है ये कांच नहीं भैया ना 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 क्या होता है एक्चुअली में क्या होता है एक टेस्ट ट्यूब होती है और यहां मान लो आपने इसमें डाला टोलेंस रिएजेंट तो इस टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे ना एजी डिपॉजिट हो जाता है और ये हमें मिरर लाइक -like नजर आने लगता है टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे एजी डिपॉजिट हो जाता है और ये टेस्ट ट्यूब की जो सरफेस है वो हमें मिरर लाइक -like नजर आने लग जाती है इसलिए बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट और ये डू नॉट ऑक्सीडाइज मल्टीपल बोन्ड डू नोट ऑक्सीडाइज मल्टीपल बोन्ड यह मल्टीपल बोंड को क्या नहीं करता ऑक्सीडाइज नहीं करता पीसीसी लूंगा तो क्या सीन होगा अरे पीसीसी क्या करेगा पीसी तो एल डी आईड तक एल्कोल को एल डी आईड में लेके जाता है ठीक है तो आंसर टोलेंस रियजेंट टोलेंस टी आर थर्ड नेक्स्ट येलो वीच ऑफ द फॉलोइंग रियजेंट इज यूज टू डिस्टिंग एसिटोन एंड एसिटोफिस देखो ऑल एल्डिहाइड एंड सी एस थ्री सी ओ स्लेटन हैविंग कीटोन फॉर्म सॉलिड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट विथ एन ए एच एस ओ थ्री एक्सेप्ट पी एच सी ओ सी एच थ्री इसमें सब कुछ है मैंने बोला सभी एल डी आईड ठीक है सभी एल डी आईड ठीक है एक्सेप्ट ये एंड ग्लूकोज 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 भी नहीं बनाता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडेक्ट प्रोडक्ट नहीं देता है सोलिड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है वो नहीं देता है तो यहां मुझे ये प्रोडक्ट क्या है किसमें डिफरेंस करना है एसीटोन में अबे चल एसीटोन में और पी एच सीओ सी ओ एस थ्री में ये वाला देखो सोडियम बाईसलफाइट ये वाला रिएक्ट करेगा ये वाला नहीं करेगा ये सॉलिड एडक्ट प्रोडक्ट बनाएगा क्या बनाएगा सी एच थ्री CO minus NH, CH3, SO3H. ये वाला बनाएगा SO3H. ये वाला नहीं बनाएगा. ग्रीनार एजेंट के साथ दोनों रिएक्ट कर जाएंगे. NH2SO4 कोई रिएक्शन नहीं करेगा. NH4Cl यहां पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा. NH4Cl क्या रिएक्शन करेगा? NH3 के साथ अमोनिया डेरिवेटिव बनेगा. तो डिफरेंस करना है, डिस्टिंग्विश करना है. तो वो हम क्या लेंगे सोडियम बाई सल्फाइड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्सिल आयन में से कौन सा आयन की क्रिया के प्रति विरोधी है तो देखो मिथाइल एसीटेट लूंगा सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री एक नंबर डाई मिथाइल ईथर लूंगा दो नंबर एसिटोनाइट्राइल लूंगा सी एच थ्री सी एन दिस इज एसिटोनाइट्राइल दो कार्बन एसिड सफिक्स होता है ओ नाइट्राइल एसिटोनाइट्राइल एसिटे लूंगा सी एच थ्री सी ओ एन एच टू देखो ओ एच माइनस का अटैक है ना ओ एच माइनस का अटैक ये यहां से आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया अटैक हो गया इसमें ओ एच माइनस का अटैक है ना मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ गया यहाँ पॉजिटिव है यहाँ अटैक हो जाएगा इसमें भी ओ एच माइनस का अटैक है ना ये यह यहाँ से आ गया और ये अटैक यहाँ हो जाएगा ठीक है या एसिड बेस हो जाएगी और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एसिड बेस हो जाए अब यहाँ पे ये यह क्या है न्यूक्लियोफाइल और ओ एच माइनस भी क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या कभी सेम सेम के बीच अट्रैक्शन हुआ है क्या आजकल हो रहा है वो अलग बात है यहां न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल ये भी न्यूक्लियोफाइल ये भी बेस और ये भी बेस तो आंसर जाएगा डाई मिथाइल इथर नेक्स्ट हां अच्छा क्वेश्चन है देखेंगे समझेंगे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन का बड़ा रूप देख के डिप्रेशन में नहीं आना कई बार बड़े क्वेश्चन में बहुत छोटा सा क्वेश्चन छुपा होता है क्या बोला है कंटेन ऑफ थ्री बोतल और फाउंड टू रिएक्ट तीन बोतल है निम्न बोतलों में रखे पदार्थों की निम्न अभिक्रिया होती है एक बोतल ए है एक बोतल बी है और एक बोतल सी है ये मान लो ए है ये मान लो बी है ये मान लो सी है ए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट फर्स्ट मान लो इसको एक मानो इसको सेकंड मानो और इसको थर्ड मानो जैसा दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग

ना टोलेंस रिजन को भाव देता है इसका मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है एपसेंट इसका ऑब्जर्वेशन आ रहा है सी ओ एच ग्रुप एपसेंट सेकेंड के लिए क्या बोल रहा है ओनली विथ टोलेंस रिजन बट नॉट विथ फेलिंग सोल्यूशन टोलेंस रिजन के साथ रिएक्शन कर रहा है मतलब एलडीआईडी ग्रुप है बट फेलिंग के साथ नहीं कर रहा तो फेलिंग किसको नहीं देता एरोमेटिक एलडीआई का टेस्ट नहीं देता है तो इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। थर्ड के लिए क्या बोल रहा है विथ बो टोलेंसेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो मतलब ओ एच ग्रुप परजेंट अब ऐसा ऑप्शन आपको सर्च करना है कि क्या बोल रहा है इफ दे कंटेन आइदर एथेनल एक में एथेनल है एसिड एलडीहाइड सी एच थ्री एच दूसरा प्रोपेनोन एसिटोन है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ठीक है और तीसरे में है बेन्जिलइड विच बोटल बेनजेल को बेंजल बोलते हैं भैया ध्यान रखना बेंजिलडियाड आल्सो कोल्ड बेंजल तो ये बेंजेल डिड को बेंजल भी बोला है मैंने यहां लिखा भी है ब्रेकेट में कंफ्यूज ना हो तो फर्स्ट में तो क्या है एल ग्रुप एब्सेंट है तो कीटोन है तो इसमें है सी एच थ्री सी ओ CH3. चलो कलर्ड लाइफ आपकी करते हैं और ब्लू कलर लेके आते हैं सेकेंड एल्डिहाइड एबसेंट है क्या बोला ओनली एजेंट बट नोट एल्डिहाइड हो सकता है तो यहां पे आ जाएगा बेंजल सी सिक्स एच फाइव एच ये वाला आएगा और यहां बोल रहा है कि प्रजेंट दोनों से ही करता है तो तीसरा अपने पास बचा क्या एथेनल सी एच थ्री सी ओ एच आप देखो रख लो रख के कर लो ऐसा ऑप्शन देखेंगे प्रोपेनोन बेंजल एथेनल थर्ड थर्ड नेक्स्ट ये लो एल एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन आपको एल्डिहाइड ये जेड है जेड आपका एच हो सकता है आर हो सकता है हुआ तो एल आर हुआ तो किन और इस सीओ ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है रिडक्शन रिडक्शन क्या है जिंक अमलगम कंसंट्रेट एसियल किशनर एन एच टू एन एच टू ओ एच माइनस के ओ एच रेडोरस एच आई ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो सीओ ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं सी एच टू में एल आई एल एच फोन नहीं करेगा एच टू पी डी बी एस ओ फोर नहीं बनेगा इससे क्या बनेगा इससे एलकोल बनेगा इससे एल्कोल बनेगा ये एन एच जी एस सी एल इससे भी क्या बनेगा एलकोल

एच टू एन एन एच एन ओ टू और ये एन ओ टू वन टू थ्री फोर और यहाँ से एच टू बाहर निकलेगा ये सी एच थ्री सी एच डबल बोन्ड एन एन एच और ये NO2 NO2। टू एन टू ऑरेंज कलर नाम क्या बोलेंगे इसको टू फोर डी एन पी डेरीवेटिव बोलेंगे टू फोर डीएनपी डेरीवेटिव या टू फोर डाई 2,4 2,4 हाइड्रेजोन टू फोर टू फोर फिनाइल हाइड्रेजोन नेक्स्ट वेन एसिटोन इज हिटेड विथ हाइड्रोक्सिलेमिन द कम्पाउंड इज फॉर्म्ड एसिटोन क्या है ओन और ये एच टू एन ओ एच एच टू ओ डबल बोन्ड एन ओ एच क्या बोलते हैं ओग्जिम क्या बोलते हैं इसको ओग्जिम बोलते हैं रिएक्शन होती है फोर से फोर पॉइंट फाइव पी एच पे इस पे रिएक्शन होती है और इट इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है तो ऑक्जिम बन जाएगा इसका नाम ऑक्जिम होगा नेक्स्ट व्हेन एस्टिटेलिया रिएक्ट विथ पीसीएल फाइव द रिजल्टिंग क्या, है? CH3, C क्या बार हो जाएगा पीओ सी एल थ्री हाई बॉन्ड एनर्जी होती है पीओ बोंड की क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच और ये सी एल और ये सी एल एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हुई है इथाइलिडीन क्लोराइड इसका नाम होगा क्या नाम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड तो आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट देखें ग्रिगनार एजेंट रिएक्ट विथ एथेनल एसिडल प्रोपेन प्रोपेनोन टू गिव तो एथेनल सी एच थ्री सी ओ एच प्रोपेनोन सी एच थ्री सी ओ ग्रिगनार एजेंट की रिएक्शन कराऊंगा तो एल्डिहाइड ये वाला R एम जी ये यहाँ से हाँ ये यहाँ से हाँ क्या बनेगा सी एच थ्री और फिर उसके बाद क्या करवा देता हूँ हाइड्रोलाइसिस भी करवा देता हूँ सी एच थ्री ओ एच एच आर मतलब क्या बना टू डिग्री एल्कोहल इसमें करवाऊँगा आर एम जी उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ये आर ये यहाँ से हाँ क्या बनेगा सी एच थ्री सी ओ एच कितने डिग्री डिग्री एल्कौल. तो एल डी देखो एल डी आईड में फोर मिल एल डी आईड में फोर मिल को छोड़ दो बाकी सभी एलडीआईड हमेशा टू डिग्री एलकोल देंगे मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा फोर मिल्डियाड को छोड़कर बाकी सभी एलडीआईड टू डिग्री एलकोल देते हैं और कीटोन सभी थ्री डिग्री एलकोल देते हैं तो सेकेंडरी एलकोल विद एथेनल एंड टर्सरी एलकोल विथ प्रोपेन इथर विथ मतलब ही नहीं है प्राइमरी एल्कोल भी एथेनॉल मतलब ही नहीं है हायर एल मतलब ही नहीं है आंसर जाएगा फोर एथेनॉल के साथ द्वितीयक एल्कोल और प्रोपेन प्रोपेनोन के साथ तृतीयक एल्कोल फोर्थ नेक्स्ट बेस कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन अकर विथ अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन बेस कैटेलाइज ठीक है फॉर एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन एल्पा हाइड्रोजन मस्ट बी परजेंट एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एल्पा हाइड्रोजन जरूर परजेंट होनी चाहिए तो देखो बेंजिल पी एच सी ओ एच नहीं देगा टू टू डाई मिथाइल टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन एल्डियाइड ये भी नहीं देगा इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एसिटेल डीआईड सी एच थ्री सी ओ ये अल्फा दे देगा फॉर्मेल डीआईड एच सी ओ एच नहीं देगा आंसर जाएगा थर्ड नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा एसिटेल इज ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिटेल एंड अल्कोहल देखो इधर ये कार्बन ओ आर दो ऑक्सीजन एक तरफ आर एक एच इसको बोलते हैं एसीटेल और कार्बन दोनों तरफ आर आर लगे हुए इधर भी ओ आर ओ आर लगे हुए तो इसको बोलते हैं कीटेल ये कैसे बनता है इसको देखें आर ओ एच आर ओ एच सी डबल बोड आर और ये एच ये क्या है एल्डिहाइड है क्या और ये H2O यहां से क्या होता है बाहर होता है किसकी में रिएक्शन होती है ड्राई एच सी एल की एडिशन एंड एलिमिनेशन एडिशन प्लस एलिमिनेशन और ये एसीटेल बनता है तो एसीटेल अगर तुम्हें बनाना है ना तो क्या यूज में लोगे एल डी से बनेगा नेक्स्ट थ्री मोलिक्यूल ऑफ एसिटोन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एच तीन मोलिक्यूल एसिटोन के लेने हैं और ड्राई एच की प्रेजेंस में क्या बनेगा तो देखो कौन सी रिएक्शन होगी भैया एल्डोल और कैसे बनाऊंगा देखो सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बोड ओ एच टू सी एच सी ओ सी एच एच टू और C डबल बोन्ड O और ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री ठीक है ये एच टू ओ ये एच टू ओ टू टाइम्स एल्डोल कंडोल भाई एक बार यहां हुई है इसने अटेक किया एक बार यहां हुई है एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम किसमें एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा डबल बोंद ठीक है सी एच सी ओ सी एच डबल बोड सी एच थ्री और ये कंपाउंड का नाम है फोरोन इस कंपाउंड का नाम है फोरोन क्लियर तो यहां आंसर तो आ जाएगा फोरोन चलो इसमें तुम्हें एक चीज और बताता हूं समझे तीन मोल एसीटोन कंसंट्रेट एच टू एसओ फोर दो मोल एल्डिहाइड एच सी एल तीन मोल एसीटोन और यहां एच सी एल ठीक है ये भी सी एस थ्री ओके यहां बनेगा मेसीटाइलिन ये वाला यहां बनेगा मेसिटाइल ऑक्साइड ये वाला सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बोन सी एच सी ओ सी एच थ्री और यहां बनेगा फोरोन तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मेसिटाइल ऑक्साइड तो आपकी एनसीआरटी में है भी फोरोन मैंने थोड़ा सा देखो एनसीआरटी थोड़ा सा तो यार थोड़ा मैंने पेपर को इतना इजी रखा है ना अगर इसमें भी स्कोर नहीं हो रहा ना तो खुद को दिखा रहा है प्रैक्टिस करो या बहुत इजी रखा है पेपर को आप ऐसा पेपर मेरे से एक्सेप्ट कर रहे हो मैंने बनाया है तो नो डाउट एग्जाम ओरिएंटेड पेपर बनाया है, तो आप ध्यान दें इस पेपर को करें अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया था कि फोर ऑन बनेगा नेक्स्ट चलते हैं अपन साइनोहाइड्रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म लैक्टिक एसिड किसका साइनोहाइड्रीन किसका साइनोहाइड्रीन लैक्टिक अम्ल बनाता है लैक्टिक ये होता है क्या दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड अगर मैं ये इससे बन जाएगा क्या हाइड्रोलाइसिस करवाऊं सी एच थ्री ओ एच एट और ये सीएन का अब आप सीएन का हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना सीएन का हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना तो ये डायरेक्ट किस में आएगा सीओएच में आएगा ये किससे बनवाओगे CH3COOH और ये HCN ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, जाएगा इससे बन जाएगा मतलब किससे आ रहा है एसिड एल्डिहाइड से आ रहा है नेक्स्ट ये लो सी एच ओ सी एच ओ और ओ एच माइनस हाइड्रोजन एबसेंट कौन सी करवाओगे केनी जारो कौन सी करवाओगे केनी जारो कौन सी इंट्रा एंट्रामोल्यक्युलर कौन सी केनी जारो? इंट्रा रो इंट्रामोलिकुलर इसका ऑक्सीडेशन होगा इसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन और इसका क्या करवा दू रिडक्शन तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा सीओ एच में और ये सी एच टू ओ एच में ये बन गया कौन सी रिएक्शन है के नीजारो थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच रेस्पॉन्ड टू पॉजिटिव आइड्रोफोम टेस्ट तो अभी बताया था पीछे ब्यूटेनॉल नहीं देगा ब्यूटेन वन एल ये भी नहीं देगा ब्यूटेन टू ओल स्केलेटन दे देगा थ्री पेंटेन नहीं देगा आंसर जाएगा ब्यूटेन टू ओल पीछे बताया कंसेप्ट बताया है पीछे देखें नेक्स्ट द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ द कंपाउंड गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टोलेंस रिएजेंट ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑल मोनो सेकेराइड गिव टॉलेंस टेस्ट तो फ्रक्टोज भी देगा ग्लूकोज भी देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन नॉट डिस्टूंगिस बाय टॉलेंस रिएजेंट ठीक है और ये बोल दू डिस्टिस बाय ब्रोमीन वोटर ब्रोमीन वोटर ग्लूकोज ब्रोमीन वोटर क्या बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड ब्रोमीन वोटर को डिकलराइज कर देगा फ्रक्टोज ब्रोमीन वोटर रिएक्शन नहीं करेगा तो आंसर जाएगा फोर्थ नेक्स्ट मिथाइल कीटोन ग्रुप इज आइडेंटिफाई मिथाइल कीटोन इसको बोलते हैं भैया किससे आइडेंटिफाई होगा आइडोफोम टेस्ट से कंपाउंड ए सी फाइव एच टेन सी एल टून हाइड्रोलाइसिस रिएक्ट विथ एन एस टू ओ एंड आल्सो फॉर्म आइडोफोम बट डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट मतलब सी एच ओ इडोफोम का मतलब सी एच थ्री सी ओ क्या है परजेंट और ओक्सिम के साथ रिएक्शन एन टू एच के साथ रिएक्शन कर रहा है मतलब सी ओ ग्रुप क्या है परजेंट ये इंफॉर्मेशन मिल गई ठीक है अब देखो फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो सी एच थ्री सी ओ एच ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एस थ्री यहां से एच टू क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच टू सी एस थ्री क्या ये हेलो टेस्ट देगा जी हां दे देगा तो आंसर इसका क्या आ जाएगा फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें यहां सी डबल बॉन्ड आएगा इसमें एल्डिहाइड बनेगा इसमें एक ओवच यहां आएगा एक ओवच यहां आएगा इसमें LDID ग्रुप जनरेट होगा तो आंसर जाएगा फर्स्ट जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वॉटर सी थ्री रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एच टू ओ क्या है एच टू ओ वीक न्यूक्लियोफाइल है और वीक न्यूक्लियोफाइल एस को फेवर करता है तो यहां तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा इसलिए नहीं देगा सीसीएल भी नहीं देगा सीसीएल डू नोट या फिर मैं यह बोल दू ये दोनों डू नोट हाइड्रोलाइज ड्यू टू एबसेंट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ये तो नहीं होंगे भैया इसको देखो इसका नाम है क्लोरल ये भी नहीं होगा ये भी इसी में आ जाएगा क्लोरल क्या है सी सी एल सी एल सी एल सी ओ एच एच टू अगर जोड़ूंगा ना तो ये एच यहां जाएगा ये ओ OH एच यहां जाएगा क्या बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है स्टेबल रहा है क्लोरल हाइड्रेट कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रेशन नहीं होता है एच टू का एडिशन नहीं होता है बट यहां रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी एक ही कार्बन पे दोनों ओ एच स्टेबल है बोथ ओ एच ग्रुप स्टेबल ड्यू टू एच बॉन्डिंग तो क्लोरल का हो जाएगा क्लोरल का हो जाएगा सेकेंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट बड़े किशन को देख के घबराए नहीं एक कंपाउंड है ठीक है फॉर्मूला क्या है सी थ्री एच एट ओ ठीक है तो कौन सा फॉर्मूला आ गया सी एन एच टू एन प्लस टू ओ मतलब किसका फॉर्मूला है एल्कोहल का एसिडिफाइ पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म प्रोडक्ट बी सी थ्री एच एट ओ के टू सी आर टू ओ सेवन और एसिडिफाई ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या कौन सा एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बनाता है क्या सी थ्री एच सिक्स ओ तो ये है वन डिग्री एलकोल सॉरी टू डिग्री एलकोल और यहां ये बन गया आपके पास एक मिनट के टू

टेस्ट बोल रहा है ना यहाँ देखो सिल्वर वार्मिंग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट तो इसका मतलब ये ये वाला है एल तो ये वाला कौन सा है फिर सी थ्री सी टू सी टू ओ अब इसकी रिएक्शन इसकी रिएक्शन ये प्रोडक्ट है आपका बी बी तक आ गए अपन पहचान में आ गया मेरे को कि टोलेंस रिएजेंट बोल रहा है तो मुझे एल बनाना है और मैंने एल बना दिया मैं बी तक आ गया हूं B है ये वाला सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच और इसकी रिएक्शन करवाई है इससे तो ये सोल्ट फॉर्म में रहता है एच N NH CO और ये NH2 ये वाली रिएक्शन हुई है ठीक है अब यहां से क्या होगा ये कि इसका नाम क्या है सेमी कार्बेजाइड और यहां से H2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बोन्ड एन एन एच सी ओ एन एच टू देखो कहीं है क्या ऐसा प्रोडक्ट C की स्ट्रक्चर आपसे पूछी है सी एच थ्री सी एच टू एन एच सी एन एच एन एन एच सी ओ एन एच टू फर्स्ट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट द इन ऑल फॉर्म ऑफ एसिटोन आफ्टर ट्रीटमेंट विद डी टू ओ गिव तो यहां इन ये एसिटोन है और यहां डी टू ओ दिया हुआ है तो ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाई ड्यूटेरियम थ्री सेकेंड नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन तो देखो थ्री हेक्जेन ऑन टू फोर हेगजन हेक्जेन डाईन टू फाइव हेक्जेंडाइ 2 टू फाइव हेगेंडाईन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और टू थ्री हेक्जेंडाई ऑन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किस कंपाउंड के पास है ये हो गई वन टू थ्री फोर ये टू थ्री टू थ्री ऐसे नहीं बनेगा ये लो ये बनेगा तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इस कंपाउंड के पास है यहां नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस मोस्ट स्टेबल कॉन्जुकेटेड बेस ठीक है तो ये अपने पास है वन टू थ्री फोर टू फोर हेगेन डाई ऑन सेकेंड इज करेक्ट आंसर ठीक है ओके okay, चले नेक्स्ट अमंग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट अक्सेप्टेबल न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है सी एच थ्री सी ओ सी एल सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री सी ओ ओ एम ई और सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ एम ई इसकी बात करनी है तो देखो यहां पे अटैक करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका क्या लग रहा है माइनस आई वो खींच रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहां ये जा रहा है यहां भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहां ये जा रहा है बट ये रेजोनेंस इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है खत्म कर रहा है यहां भी ये जा रहा है बट इसके रेजोनेंस इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है खत्म कर रहा है तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हो गया एसिड हेलाइड एसिड हेलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ पी एंड क्यू कैन बी डिस्टिंग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपको करवाना है तो देखो सी एच टू डबल और ये सी एच थ्री इधर दिया हुआ आपको सी एच थ्री ये डबल बोन्ड और ये ओ सीओ सी एच थ्री क्लियर यहां पे हाइड्रोलाइसिस होगा यहां से टूटेगा इधर एच और इधर ओ OH. एच तो उधर क्या बना सी एच टू डबल बोन्ड ओ एच और ये सी एच थ्री ये यहां से हाँ ये यहां से हाँ इनोल से किस में जाएगा कीटो में जाएगा क्या इनोल से किस फॉर्म में जाएगा कीटो फॉर्म में जाएगा तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री इसमें यहां से टूटेगा एच ओ OH, एच सी एच थ्री डबल बोन्ड और ये ओ OH. एच ये यहां से यहां और ये यहां से यहां सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच ये एल तो इसमें आया है कीटोन इसमें आया है एल दोनों को डिस्टिंग किस से कर सकते हैं क्या फेलिंग सॉल्यूशन से कर सकते हैं लुकास रिएजेंट एलकोल का टेस्ट है टू फोर डी दोनों ही देंगे क्योंकि क्यों कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है और कार्बोनिल ग्रुप एल में भी है कीटोन भी है

देखो इधर ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहां साइनोहाइड्रेट में सी एन माइनस अटैक करता है ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही ज्यादा क्या होगा रिएक्शन होगा तो बेंजेल है पेरा नाइट्रोबेंजेल है फिनाइल एसिड है और पेरा हाइड्रोक्सीब एंजिलड है ये जब इधर से इधर जाएगा ना तो ये इधर से इधर इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है तो अटैक करने की टेंडेंसी कम हो रही है सेम काम यहां भी हो रहा है ये कम कर रहा है ये यह यहां से यहां जाएगा तो ये रेजोनेंस में नहीं है ये एलिफेटिक है एलिफेटिक एल्डिहाइड है और ये ये कौन सी है एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये भी कौन सा है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है बात क्लियर हो रही है कुछ समझ में आ रहा है आपको ओके अब आप देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है ड्यू टू रेजोनेंस रेजोनेंस के कारण यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है और यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो मोस्ट रिएक्टिव तो ये वाला है सी एन जुड़ जाएगा सी एन का सकते हैं अब मैं इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है तो एनओ टू का माइनस आर लग रहा है ओ एच का प्लस आर लग रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा इसको एक नंबर दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर मोस्ट रिएक्टिव कौन तीन नंबर उसके बाद एनओ टू का माइनस आर लगेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसके बाद सेकेंड नंबर उसके बाद फर्स्ट नंबर उसके बाद फोर्थ नंबर ये ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी यहां पे देखनी है नेक्स्ट ये सबको बताया था कि स्टेप इन केनेजारो रिएक्शन इज द इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट ऑफ केनेजारो अभिक्रिया का मुख्य बिंदु किसका अंत अणु स्थानांतरण है हाइड्राइड आयन का क्या होता है एच सी ओ एच ओ एच माइनस अटैक करता है ये यहां से यहां एच सी ओ माइनस एच और ये ओ OH, एच और ये एच सी ओ एच यहां से ये यहां से यहां और ये वाला जो है ना यहां से यहां H माइनस ये वाली स्टेप क्या होती है सलो और आरडीएस इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर यह तो सबको पता ही होगा यार नेक्स्ट द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन आपको वन डिग्री एलकोल को एल में कन्वर्ट करना है तो पीसीसी बेस्ट है ये वाले कहां तक लेके जाएंगे ये सी एच टू OH ओ एच ग्रुप को ऑक्सीडाइज में कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जा सकते हैं इसलिए पीसीसी नेक्स्ट ये देखो द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन निम्नलिखित अभिक्रिया से मुख्य कार्बनिक उत्पाद बनता है ठीक है तो यहां पे ये डबल बॉन्ड ओ है ठीक है मिस्टेक से हो जाता है कई बार देख लेना ये डबल बॉन्ड ओ है तो यहां रिएक्शन क्या होगी डबल बॉन्ड ओ और यहां एच टू एन और ये सी एस थ्री और ये एच टू क्या बनेगा ये डबल बोन्ड एन और ये सी एस थ्री सब्सिट्यूटेड एमिन इसका दूसरा नाम बताऊं क्या सिप बेस इसका रिडक्शन करवाया है एल आई एल एच फोर से तो रिडक्शन पे क्या होगा एक एच यहां जुड़ जाएगा और एक एच यहां जुड़ जाएगा ये वाला फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा एन एच सी एच थ्री और ये सी एच थ्री देखिए भैया ऐसा ऑप्शन कहा दिया है ऐसा ऑप्शन यहां दिया है सेकेंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज़ वन डिग्री आई मीन इथ देखो एनएच टू वन डिग्री एन एच टू डिग्री और नाइट्रोजन थ्री डिग्री इथाइलिन डाईमिन सी एच टू सी एच टू एन एच टू और एनएच टू वन डिग्री डाई मिथाइल एमिन एन एच सी एच थ्री सी एच थ्री टू डिग्री ट्राई मिथाइल एमिन एन सी एच थ्री थ्री डिग्री और एन मिथाइल एनिलीन टू डिग्री वन डिग्री पूछा है तो इथाइलिन डाइएमिन नेक्स्ट एसिटोनाइट्राइल इंफॉर्मेशन बेस्ड है नाम होना चाहिए कॉमन सिस्टम दो कार्बन दो कार्बन एसिट प्लस ओ क्या है इसका नाइट्राइल सेकंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ एन एन ओ टू एंड डायलूट एसियल एट जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एनिलीन है एन टू प्लस एच सी एल जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस और एन ए टू प्लस एच सी एल रूम टेम्परेचर तब तो बनता है फिनोल और यहां क्या बनेगा रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन क्या नाम है डाई एजोटाइजेशन क्या बन जाएगा डाई एजोनियम सोल्ट एन टू प्लस सी एल माइनस बेनजीन डाइ क्लोराइड सेकेंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट स्टार्टिंग the following reaction वर कैरिड आउट What इज द कंपाउंड जेड ठीक है प्रोपेनोइक अम्ल से आरंभ करके निमाम की है और ये जेड क्या है तो एसिड क्या होता है सी एच थ्री सी एच टू एच प्लस एसओ सी एल टू पता है क्या SOCl2 टू क्या करता है एसओ सी एल टू क्या करता है Cl सप्लाई करता है सी एच थ्री सी ओ और ये सी एल साइड में एसओ टू बाहर हो जाएगी फिर इसकी रिएक्शन करवाई एन एच थ्री से तो यहां से एच सी एल बहार हो जाएगा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ एन एच टू ये क्या हो गया एमाइड हो गया फिर ये एन एच प्लस बी आर टू होपमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है होपमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन ताली बजाओ सीओ को हटाओ ताली बजाओ सीओ को हटाओ सीओ को यहां से गायब कर दो क्या बन जाएगा अच्छा एक कार्बन कम कर दिया कि मैंने शोरी, एक कार्बन कम चल रहा है अपना ठीक है ये सीओ हट जाएगा और क्या फाइनली बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू देखें सेकेंड करेक्ट आंसर नेक्स्ट फॉलोइंग रिएक्शन अक्स अक्स का ब्रोमिनेशन करवाया एनएन टू एस एल बना बॉइलिंग सी टू एच फाइव ओ एच और आपके पास बन गया ब्रोमो बेनजिन यह बन गया ब्रोमो बेंजिन ये, ये वाला बन गया तो देखो रिएक्शन यहां ब्रोमिनेशन कराओ तो तीन ब्रोमीन आनी चाहिए तो वो एनिलीन को पकड़ो देखो ठीक है ब्रोमिनेशन बी आर टू एच टू ओ क्या होता है ट्राई ब्रोमिनेशन होता है क्या बनेगा एन एच टू बी आर बी आर बी आर उसके बाद एन ए एन ओ टू प्लस एस सी एल क्या रिएक्शन होगी डाई एजो टाइजेशन ये डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ क्या बन जाएगा NH2, N2+, Cl -BR ,BR, ये भी 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 आर। इसकी रिएक्शन कराई ठीक है यहां क्या सप्लाई करेगा बेंजीन बनाता है क्या डाइजोनियम सोल्ट से तो ये बन जाएगा बी आर बी आर बी आर बी आर ट्राइब्रोमो रिएक्शन तुम फिनोल लोगे ना फिनोल तो भी ट्राइब्रोमिनेशन होगा बट फिनोल की डाइजोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करवाने जाओगे ना तो पेरा पोषण पे एनो ग्रुप जुड़ेगा पेरा पोषण पे एनो ग्रुप जुड़ेगा कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात तो फिनोल नहीं आएगा फिनोल से ट्राइब्रोमिनेशन तो हो जाएगा बट यहां ओवच लगेगा और उसकी पेरा पोषण पे खाली नहीं है तो यहां आगे रिएक्शन नहीं जाएगी तो एनिलीन इसका आंसर आएगा नेक्स्ट फोलोइन कंपाउंड इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस तो यहां पर एनिलीन रेजोनेस लिस्ट बेसिक हो गई क्योंकि लॉनपेर यदि डीलोकलाइज हो रहे हैं तो प्रोटोन को आसानी से अवेलेबल नहीं रहेंगे उसकी बेसिक नेचर कम हो जाएगी यहां पर अमोनिया दिया हुआ है एन एच थ्री मिथाइल एमिन दिया हुआ है सी एच थ्री एन एस टू एन मिथाइल एनिलीन दिया हुआ है ये वाला एन एच CH3. तो यहां भी क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है तो इन दोनों में से ज्यादा कौन आपको पता है ना दो सो तेरा दो सौ इकतीस एन एच थ्री जब आर बराबर क्या हो, हो? इथाइल और अगर दोनों मिक्स कर देना तो दो सो इकतीस पहले लिख देना ये ध्यान रखना उसके बाद यहां से दो सो लिख देना ये तो है आर बराबर सी एस थ्री के लिए और ये आर बराबर इथाइल के लिए ध्यान रखना दोनों को मिक्स करके पढ़ा नहीं है। आ सकता है पूछ सकता है एनएस लास्ट में आएगा ये बेसिक सिटी रहेगा फिर तो इसमें तो मोस्ट बेसिक कौन है ये वाला लिस्ट बेसिक ये वाला ठीक है नेक्स्ट कर दी होंगे ये क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद NaNO2Cl टू गिव फिनोल तो अभी मैंने पीछे बताया था कि डायजोनियम सोल्ट जब बनता है और रूम टेंचर पे आप रिएक्शन लेके जाते हो फाइव डिग्री सेल्सियस से आगे रिएक्शन लेके जाते हो तो फिनोल बन जाता है और ये एनिलीन वाला ये क्या देगा फिनोल देगा नेक्स्ट ये बोल रहा है इन एसिडिक मीडियम नाइट्रोबेनजीन तो देखो नाइट्रोबेनजीन जो है ना एनो टू इसकी रिएक्शन एस एन प्लस एच सी एल से करवाओ एफ प्लस एच सी एल से करवाओ या फिर जेड एन प्लस एच सी एल से करवाओ इट्रोबेंजिन का एनो टू ग्रुप रिड्यूस किस में हो जाएगा एन एस टू में हो जाएगा बेस्ट किसको बोलोगे इसको बेस्ट बोलोगे तो यहां पे एस एन प्लस एच सी एल नेक्स्ट ये देखो यहां पे डायजोनियम सोल्ट बनाया पहले ठीक है ये बना डाइएजोनियम एजोनियम सोल्ट फिर एन एनओ टू कोपर और हीट वापस यहां पे एनओ टू ग्रुप क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा बन जाएगा ये रिएक्शन तुम्हारे एनसीआरटी में कैसे है पहले बता देता हूं एनसीआरटी में इसके साथ दी हुई है एन टू प्लस बी एफ फोर माइनस एन एन टू और कोपर एनसीआरटी में यहां से दी हुई है मैंने इधर से लगा दी रिएक्शन एन एनओ वापस से एनओ सप्लाई कर देगा आपसे पूछा एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली क्रमश एक्स और वाई है तो पहले डाइजोनियम सोल्ट बना फिर नाइट्रोबेंजिन बना थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अच्छा गैब्रिल थैलेमाइड होता क्या है देखो ये वाला ये वाला होता है इसका नाम है थेली थेलीमाइड, इसकी रिएक्शन पहले करवाते हैं के से किससे के से तो एसिड बेस होती है और बन जाता है ये वाला सी ओ एन माइनस के प्लस सी ओ एन और यह क्या है न्यूक्लियोफाइल इसकी रिएक्शन कराते हैं एल से अटैक करता है बाहर करता है क्या है एसन टू ठीक है एसन टू के बाद ये बन जाएगा एन आर उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाते हैं के ओ एच से करवा दो या एनएच टू एनएच टू से करवा दो या फिर एच टू ओ से करवा दो ठीक है तो यहां से टूट जाता है एच एच ओ एच ओ एच और इधर से आपके पास जनरेट होता है वन डिग्री एमीन एलिफेटिक बनाना पड़ेगा तो यहां पीएच आना चाहिए और अगर यहां पीएच लगा दूंगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी तो केवल प्राइमरी वो भी कौन सी एलिफेटिक एमीन थर्ड नेक्स्ट फॉर द प्रिप्रशन ऑफ पेरा नाइट्रो पेरा नाइट्रो एनिलीन किससे बनानी है पेरा एनिलीन से पेरा नाइट्रो आइडो बनाने की सर्वोत्तम विधि है पेरा नाइट्रोजिन इससे बनानी है पेरा नाइट्रो आइडोबेंजिन इससे बनाना आपको पेरा नाइट्रो एक बार पेरा नाइट्रो एनिलीन सॉरी पेरा नाइट्रो एनिलीन ओके 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 हो जाता है पेरा नाइट्रो एनिलिन इससे करवानी है हमें पेरा आइडो नाइट्रोबेजिन तो इस पे क्या डालो एन एन टू प्लस एस सी एल किस में चला जाएगा एन टू प्लस सी एल माइनस में अब इसकी जगह आई सप्लाई करना है ना तो क्या ले लो के आई डायरेक्ट आई आए अटैक कर जाएगा आई आए आ जाएगा फ्लोरीन भी लगा सकते हैं क्लोरीन भी लगा सकते हैं बिहार और बिहार गाटरमान रिएक्शन से लगेगा आई वाली का कोई स्पेशल नाम नहीं है क्लोरिन रिएक्शन हो जाएगा तो आंसर यहां के आई नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एमिन विल नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिव नाइट्रोजन तो यहां ओनली वन डिग्री एमिन गिव एन टू गेस विथ नाइट्रस एसिड ये वन डिग्री है ये वन डिग्री है ये वन डिग्री है, है ये थ्री डिग्री है तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ वाली नहीं रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन गैस नहीं लिबरेट करेगी क्लोरोफोम वेन ट्रीटेड विथ एनिलीन एंड एल्कोलिक गिवज एनिलीन एनएच टू सी एच सी एल थ्री के ओ एच कार्बिल एमिन क्या है ये टेस्ट है कौन सा टेस्ट है कार्बिल एमिन टेस्ट है सी एच सी एल थ्री एनएस टू ध्यान रखना और एन एस टू किसमें कन्वर्ट होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड सेकेंड नेक्स्ट द करे करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी इज क्या दिया हुआ है एक एनएच थ्री दिया हुआ है एक ये वाला दिया हुआ है और एक ये वाला दिया हुआ है और एक ये वाला दिया हुआ है और एक ये वाला दिया हुआ है ठीक है रेजोनेंस लिस्ट बेसिक ये टू डिग्री ये वन डिग्री ये थ्री डिग्री इनका ऑर्डर अभी बताया था ना टू थ्री वन एन एच थ्री और लास्ट में आ जाएगा एन एच टू ऑर्डर देखिए भैया ऐसा टू डिग्री सबसे ज्यादा फिर थ्री डिग्री फिर वन डिग्री फिर एन एच थ्री थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एमिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेटली बनाएगी भैया आर एन एच टू और ये एन ये एच और ये आर बना रही है क्या ठीक है साहब इथाइल डेफिनेटली रखेगी सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू और सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ये क्या है वीक वरवाल फोर्स है और यहां क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो रखेगी ये भी सही है मिथाइल एमिन इज मोर बेसिक देन अमोनिया ये भी सही है डाई मिथाइल एमिन इज लेस बेसिक देन मिथाइल एमिन ना टू डिग्री ज्यादा है तो ये क्या हो गया गलत हो गया आंसर क्या जाएगा फोर्थ आंसर होगा इनकरेक्ट पूछा है ना नेक्स्ट साइनाइड सी एच थ्री सी एन और आपको बोला है टू एच एच सी एल की में. मतलब ये है, SNCL2 HCl. क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बोन एन एच एच इधर जोड़ दी एक एच इधर जोड़ दी ध्यान रखना अगर यहां फोर एच दे दे या एस एन प्लस एच सी एल दे तब ये जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू में दोनों तरफ एच एच जुड़ जाएंगे अब इसका क्या करवाया है एच टू के साथ बोइल करवाया है मतलब क्या हो जाएगा ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा क्या इधर भी ओ OH, एच इधर भी ओ एच 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 क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच रिएक्शन का नाम क्या है बता सकते हो स्टेपन रिडक्शन एसिड एल्डिहाइड नेक्स्ट द एमिन विच कैन रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनो क्या है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या नाम है इन सोल्यूबल इन एल्कलील बी एमिन जो सी सिक्स एच फाइव पैसो टू सी एल के साथ अभिक्रिया करके क्षार में एविलिय उत्पाद बनाता है वह एमीन होगा तो यह हिंसबर्ग रिएजेंट से बाई दिस हिंसबर्ग रिएजेंट कैन डिस्टिंग वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री एमीन इनमें डिस्टिंग कर सकते हैं चाहे एरोमेटिक हो भले ही एलिफेटिक हो दोनों में हम कर सकते हैं कैसे करते हैं समझे वन डिग्री एमीन है आर एन एच एच सी एल एस डबल बोड ओ और ये पी एच टू डिग्री एमीन है आर एन आर एच सी एल एस डबल बूंद ओ और ये पी एच थ्री डिग्री एमीन है आर एन आर आर सी एल एस डबल बूंद ओ और ये पी एच तो यहां तो रिएक्शन ही नहीं हुई नो रिएक्शन थ्री डिग्री एमीन रिएक्शन नहीं कर रहा है पर वो बोल रहा है कि एमीन विच कैन रिएक्ट विथ ए फॉर्म ए प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट इन है किसमें एल्कली में ये जाएगा आर एन एच एच डबल बोन्ड ओ और ये पी एच अब ये सोल्यूबल इन एनओ एच ये एनओए एच में क्या है सोल्यूबल ये हाइड्रोजन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन ये कैसी हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है इसकी बात करूंगा ना एच सी एल होगा आर एन एन, एन एच डबल बोन्ड ओ पी एच इन एन एच ड्यू टू एबसेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जैसे इसके पास ये एसिडिक है तो वो कौन सी एमीन है वो सेकेंडरी एमीन है टू डिग्री एमीन है सेकेंड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट इन द रिएक्शन सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच ठीक है एच टू एन सी सिक्स एच फाइव एच टू ओ क्या होगा बाहर होगा सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बोन्ड एन और ये सी सिक्स एच फाइव सब्स्टिट्यूटेड इमीन क्या बोलते हैं इसको सिप बेस थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट द कलर ऑफ पेरा एमिनो एजो एजोबेंजिन देखो जब डाई एजोनियम सोल्ट की रिएक्शन है ना इसकी रिएक्शन पेरा एमिनोबेंजिन से करवाते हैं ना तो ये कपलिंग रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन ठीक है ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। ये से से और बनता है। एन डबल बोन्ड एन और ये NH2। टू इस कंपाउंड का नाम है पेरा एमिनो एजो बेंजीन और ये किस कलर की डाई होती है ये डाई है और किस कलर की येलो कलर की एनसीआरटी में लिखा हुआ है नेक्स्ट ये देखो डाई डाई कपलिंग इज सम डाइज बनती है इसमें ऑरेंज कलर कलर की डाई, कलर की मिथाइलिन ब्लू तो डाइज बनाने के काम में आता है सिक्सटी वन का फर्स्ट इफ एन एंड एस आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग लेसाने टेस्ट द बोथ चेंज इन टू यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है इसमें सल्फर प्लस नाइट्रोजन दोनों परजेंट है तो बनेगा किसमें एन एस सी एन में कन्वर्ट हो जाएगा टेस्ट कैसे लगाते हैं एफी सी एल थ्री डालता हूं ना तो ब्लड रेड सॉल्यूशन मिलता है एफी एस सी एन का होल थ्राइज थ्री एच टू ओ तो बनता क्या है सोडियम थायोसाइनेट सेकंड नेक्स्ट ग्रिगनार एजेंट दिया हुआ है सीओ टू और एच टू तो कुछ नहीं है ये पीएच दिया हुआ ना पी एच एम जी बी आर और ये सीओ टू है इस पे नेगेटिव चार्ज ना अटैक करेगा ये यहां से यहां क्या बन जाएगा पी एच सी ओ माइनस एम जी बी आर डबल बोन्ड ओ और इसका क्या करवा रहा हूं हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं एच डाल रहा हूं क्या बन जाएगा पी एच सी ओ एच मतलब पी एच के ऊपर सी निकल जाएगा एक स्टेप में बेंजो एसिड बन जाएगा सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा इन एस्ट्रीफिकेशन ओ माइनस एन फोर मेकिंग एच कम्स फ्रॉम एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन किसके साथ होती है कार्बोक्सिलिक एसिड है ठीक है और एल्कोल है कंसंट्रेट H2SO4 टू एसओ फोर और ये H2O टू बाहर निकलता है और बनता है आर c o आर तो माइनस कहां से आया है एसिड से या एल्कोल से अच्छा एक चीज का ध्यान रखना ये वाला नहीं होता है ना गलत है रेड वाला जो बता रहा हूं ना वो गलत है ये ग्रीन वाला रेड वाला जो है वो सही है ओ एच यहां से आता है एच यहां से जाता है तो कहां से आता है ओएच माइनस आयन फॉर्म फोम एच टू कम्स फ्रॉम ओ एच माइनस आयन फोर मेकिंग

रेड ग्रीन कलर नहीं नजर आएगा क्या लें रेड लें ब्लैक लें रेड लेते हैं चल हटवाइए इथाइल मेथेनोइट एच सी ओ ये ई टी फर्स्ट मिथाइल एथेनोइट सी एच थ्री सी ओ और ये सी एच थ्री मिथाइल एथेनोइट प्रोपाइल एमिन इथाइल एमिन दीज आर नोटेस्टर ए एस्टर ये एस्ट्री नहीं है इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा ना यहां से टूटेगा यहां से ओ एच एच उधर क्या बना एच सी ओ एच इसका कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा तो यहां से ये रेडिकल दो बार जुड़ता है एच 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 टू आएगी इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो यहां से टूटेगा ओ OH एच और एच क्या बना सी एच थ्री सी ओ एच इसका कोल भी इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो ये वाला टू टाइम्स एड होगा तो ये वाला एथेन हो गया क्या तो यहां पे आपके पास आंसर क्या आएगा मिथाइल एथेनोइट आंसर आएगा ठीक है सेकंड नेक्स्ट द ट्रीटेड फर्स्ट अभी मैंने पीछे बोला था आपने ध्यान दिया होगा कि ये एन एच और ये सी ओ सबसे पहले इसको किससे ट्रीटेड करवाते हैं एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच से तो आंसर जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट ये लो रिएक्शन है सिंपल सा रिएक्शन है यहां पे देखो एल आई एल एच फोर ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है क्या तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू रिडक्शन हो गया अब सी एच थ्री एल आई एल एच फोर ए आपके पास बना वो बना इथाइल इथ मतलब ये सी एच थ्री सी एच ओ एच और ये एच यहां आई टू प्लस एनओ एच कौन सी रिएक्शन है रिएक्शन तो पहले इसका ऑक्सीडेशन करेगा और इसको लेके आएगा सी एच थ्री एच में अब इसका तो हेलोफोम बन जाएगा तो एक तरफ तो बनेगा सी एच आई थ्री और दूसरी तरफ बन जाएगा एच सी ओ एन ए तो यहां प्रोडक्ट बी जो है ना वो है सी एच I3 थ्री हेलो फोम ठीक है यहां तक समझ में आ गया देखो अब जो सी एच आई थ्री है ना ये जो सी एच आई थ्री है ये एजी डस्ट के साथ डीलोजिनेशन श्यो करेगा टू ए जी आई टू टू ए जी आई और क्या बनाएगा एच सी ट्रिपल बोन्ड सी एच थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन सियो मोलिकुलर मास तो देखो सी एच थ्री सी ओ एच है ठीक है सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच है एच सी ओ एच है इन सी सी एल फोर बेनजिन एग्जिस्ट एज ए या फिर आप बोल दो नॉन पोलर सोल्वेंट या फिर नॉन पोलर सोल्वेंट मान लो यार इनमें एग्जिस्ट एज ए डाइमर सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ ओ एच सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ और ये ओ एच यहां क्या बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसका कितना मोलिकुलर मास ऑब्जर्व होगा वन मोल का कितना होता है वन मोल का होता है सिक्सटी टू मोल का कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी थर्ड नेक्स्ट पी टू ओ फाइव क्या है स्ट्रॉन्ग डी हाइड्रेटिंग एजेंट और आप रिएक्शन करवा रहे हो सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री सी ओ एच और ये एच टू ओ भार होगा और क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ और ये सी ओ सी एच थ्री एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसा ऑप्शन आपको कहां नजर आ रहा है थर्ड में आ रहा है क्या थर्ड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रिक कैन नोट अंडरगोज कलेजन सेल्फ कंडेशन ठीक है फॉर कलेजन रिएक्शन एल्फाहाइड्रोजन मस्ट बी परजेंट उसके पास हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए प्रजेंट होनी चाहिए कैसे देखो जैसे ये लिया सी एच थ्री सी ओ और ये ई e, टी दूसरा ला सी एच थ्री ये एच और ये सी ओ ई टी और यहाँ लिया मैंने एन ए ओ ई टी ये इस एच को हटाएगा न्यूक्लियोफाइल बनेगा नेगेटिव चार्ज ये यहाँ से यहां ये जाएगा ये जाएगा और इसको क्या कर देगा बाहर कर देगा तो सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी ओ क्या बनेगा ओ ईटी बनेगा बीटा कीटो एस्टर बनता है तो एल्पा हाइड्रोजन नहीं होगी तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा ना तो यहां देखो ऑफ द फॉलोइंग एस्टर के नोट अंडरगो को तो ये एल्पा है जाएगा इसके पास सी सिक्स एच फाइव ई टी एल्फा एबसेंट नहीं जाएगा इसके पास एल्फा है जाएगा इसके पास भी एल्फा है ये भी जाएगा सेकेंड नहीं जाएगा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विथ सी आर ओ थ्री इन परजेंस ऑफ एसिटिक एंड हाइड्रेट गिवज प्रोडक्ट ए टोलुइन है CrO3, थ्री ए सी टू ओ ले लो या सी आर ओ टू सी एल टू सी एच टू ले लो इटार्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन सी एच थ्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल डी हाइड में फिर किसी रिएक्शन करवाई है से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी के नहीं एक बार क्या बन जाएगा सॉल्ट और एक बार क्या बन जाएगा एलकोल आंसर मिल रहा है क्या आपको ए विच ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस एनी ओव प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा ये वाला थर्ड नेक्स्ट

इधर ओ OH एच जाएगा इधर एच जाएगा तो एक तरफ बनेगा ई टी ओ एच और साइड में बनेगा ये वाला सी ओ एच बट बेसिक मीडियम है तो यहां से ये एच ले लेगा और यह बनेगा सी ओ माइनस एन ए सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट और साइड में प्रोडक्ट क्या बना एथेनॉल, सेकेंड नेक्स्ट यहां पे आपको वही है ये रिएक्शन करवाइए ए बनाया है बेंजीन एनहाइड्रस हाइड्रस ए सी एल थ्री से रिएक्शन है तो बेंजीन है और यहां से ए क्या बना सी एच थ्री सीओ सी एल ये सी एच थ्री सी सी एल और ये एन हाइड्रस एल सी एल थ्री ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहां क्या बन जाएगा सी ओ और ये सी थ्री ये बी आ गया एच सी एन के साथ तो ये यहां से यहां ये एच वहां जाएगी और ये सी एन यहां आ जाएगा तो ओ एच सी एन सी एच थ्री ओ एच आ जाएगा एक सी एन जुड़ जाएगा सी थ्री आ जाएगा फोर्थ अच्छा हाइड्रोलाइसिस भी करवाया फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया इसका सी एन का तो पहले ये बनाना ओ OH, एच पहले ये बना ओ OH, एच और ये सी एन और ये सी एस थ्री इसके बाद हाइड्रोलाइसिस तो सी एन किस में चला जाएगा ओ OH एच में चला जाएगा ये बन जाएगा क्या देखो तो फर्स्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वही रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है नेक्स्ट इनोलेट आइन कंबाइन विथ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एस्टर वी गेट यदि इनोलेट आइन को एस्टर के समूह से विकृत किया जाए तो क्या प्राप्त होगा बताओ क्या प्राप्त होगा अरे क्या होना है यार इनोलेट आयन किसको बोलते हैं सी एच टू माइनस सी ओ एच इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सी एच टू डबल बोन्ड सी ओ माइनस एच इसको बोलते हैं इनोलेट आयन जो न्यूक्लियोफाइल होता है एल्डोल कंडेंसेशन का इसकी एस्टर एस्ट्र कार्बोनिल ग्रुप से करवानी है ठीक है तो देखो जैसे मैं कोई भी ले लू आर ये सी ओ ए सीओ टी ये एस्टर लिया मैंने अब ये क्या करेगा यहां से अटैक करेगा ये इधर जाएगा वापस घूमेगा ओ को क्या कर देगा बाहर कर देगा क्या बनाए देखिए आर ये सी ओ सी एच टू सी ओ एच अब मैं इस पे बात करूंगा ना तो ये एल्फा ये बीटा बीटा कीटो कार्बोनिल या फिर एल्डिहाइड है क्या ऐसा ऑप्शन आपके पास थर्ड इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड तीन कंपाउंड आपके पास एल्कोहल एलडीहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या रखेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी क्या रखेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या रखेगा डाइपोल डाइपोल तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में ज्यादा या कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा तो यहां पे थर्ड में सबसे ज्यादा फिर अल्कोहल और उसके बाद फर्स्ट ऐसा ऑप्शन देखोगे सबसे ज्यादा सॉरी थर्ड में सबसे ज्यादा फिर उसके बाद फर्स्ट अल्कोहल हो गया फिर सेकंड कार्बोनिल हो गया ठीक है तो ये थे 75 फाइव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे कोई एनसीआर टोटली एंजॉय करें को देखें देखेंटक्स में है साथ साथ के कमेंट बॉक्स में बताएं कि पेपर का लेवल कैसा था और कितने ही आपको प्रॉब्लम आई आपका क्या स्कोर रहा ये भी बताएं और इस इससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस जगह खड़े एकदम नीट बेस पिछले दो साल से जैसा पेपर आ रहा है ना उसी बेस पे मैंने बनाया है। ओके सभी नीट एस्पायरमेंट को एक्सपायरेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई बेस्ट ऑफ लक थैंक यू